एंड अभी फाइनली मेरा चूड़ा चढ़ने वाला है। अभी हम लोग सुबह उठे हैं 9 बजे एंड 9 बजे उठते ही ना मैंने अपना मुंह चमकाया, मेकअप वेकअप किया, क्योंकि बहुत बड़ी सी अनाउंसमेंट वाली वीडियो मैंने शूट करनी थी जो कि मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ, तो मेक श्योर आप जाके देख लेना। सो वो करा, मैं नहाया भी नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है एंड ऐसे ही फटाफट से कर लिया क्योंकि मुझे था कि मैं एज सुन एज पॉसिबल वो वीडियो को डाल दूँ। सो मेक श्योर आप वाली वीडियो जरूर चेक करना क्योंकि गाइज बहुत ही अमेजिंग सी अनाउंसमेंट होने वाली है एंड आई नो यू गाइज आर गोना लव इट, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। एंड हाँ, आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज होने वाला है मेरा चूड़ा बड़ाई की सेलिब्रेशन। सो अभी मैं पहले ऑफकोर्स मेकअप वेकअप करके नहाने जाने लगी हूँ। यूट्यूबर्स का तो यही होता है, कभी भी मेकअप धोना पड़ता है, कभी भी नहाना पड़ता है, नहाने से पहले मेकअप करना पड़ता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, फिर हम करेंगे सारी प्रिपरेशन जो भी चूड़ा बढ़ाई के लिए चाहिए होगी। सो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए हमने आज का दिन चूज किया है। अभी मैं ना कैमरा को सेट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्यों। अभी ठीक है, पहले तो मेरा हाथ ही थक गया था आप पकड़ पकड़ के। सो गाइज एक्चुअली थिंग इज कि हम ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि चूड़ा बढ़ाई की सेलिब्रेशन कर दे, बट कब करें, एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट ओकेजन, एक परफेक्ट डेट हमको समझ ही नहीं आ रही थी कि कब करें। तो आज का दिन हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि एक्चुअली मेरी फैमिली एंड रोहित की फैमिली, हम दोनों की फैमिली जिनको फॉलो करती है, लाइक बचपन से हम लोग उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आज उनका बर्थडे है। आई नो अगर आप भी फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा कि किनका बर्थडे आज। सो आई थिंक इससे ज्यादा ऑस्पिशियस और स्पेशल ओकेजन हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी, इसलिए हमने सोचा कि यार आज ही कर देते हैं। ऑल्सो हमारी शादी हुई थी 31 अक्टूबर को, तो हमारी शादी को पूरे के पूरे 2.25 साल हो चुके हैं गाइज, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होने ही वाले हैं। सो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया अब चूड़ा पहने हुए, सो इसलिए हमने सोचा कि अब इसको बढ़ा देते हैं। एंड ऑफकोर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत अच्छी सी डेट है। ऑल्सो गाइज आई नो कई लोगों को ना वियर्ड भी लग रहा होगा कि इतने लंबे समय तक मैंने चूड़ा पहने रखा है। एक्चुअली हमारे में ना ऐसा कुछ है नहीं कि कितने टाइम तक पहनना होता है, क्योंकि कई फैमिलीज में ना ऐसा होता है कि 1.25 महीने में ही चूड़ा बढ़ा देते हैं, एंड कई फैमिलीज में होता है कि 5 महीने में करते हैं, 1 ईयर में करते हैं, 1.25 साल में करते हैं, मतलब अपना अपना होता है। हमारे में कुछ ऐसा है नहीं है जब तक दिल है तब तक पहन लो, तो अब आई थिंक काफी ज्यादा टाइम हो गया था। ज्यादा कुछ हम ऐसे फैंसी सा नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी फैमिली हमारी, तो हम बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से ही ये वाली सेलिब्रेशन को कर लेंगे। सो मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं एंड मेरा गला सूख गया, मुझे भूख भी बड़ी तेज की लग रही है, फटाफट से नहा के आती हूँ, कुछ खाती हूँ एंड देन आई एम गोना कैच यू गाइस। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, मम्मा ने बनाया बहुत टेस्टी टेस्टी कड़ा प्रसाद, फिर मैंने नहा भी लिया, खा भी लिया और मैं गुड गर्ल भी बन गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। एंड बहुत ही ऑफकोर्स घर पे ही है तो मैं सिंपल सा ही मेकअप कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं कर रही। तो गाइस यस, मैंने नहा के नाइट सूट ही पहना है क्योंकि मैं घर पर नाइट सूट ही पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल से रहते हैं ना इसीलिए। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, मैंने फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया, मैंने जस्ट अपना कंसीलर अप्लाई किया है एंड उसको पाउडर सेट कर लिया। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना ब्लश एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या पहनना है। ब्लश हो गया, फटाफट से मैं हाईलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ। मैं आपको अपना चूड़ा भी दिखाती हूँ जो मैंने अभी पहना हुआ है, जो मेरा ओरिजिनली जो चूड़ा था, वो तो बहुत ही सुंदर था, लाइक मेरी मामी ने मुझे बड़ा ज्यादा सुंदर चूड़ा दिया था। तो एनीवे ये आप देखो, ये जो लास्ट वाली बैंगल है ना, आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, इसमें स्टोन्स है इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाली ना मैं ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ पहले भी, बट ये जो लास्ट वाली थी ना ये मैंने आज तक 2 सालों में एक बारी भी नहीं उतारी है। जिस टाइम पे पहनाते हैं ना उस टाइम ही होता है एंड फिर जब बढ़ाते हैं तब भी उतारते हैं, क्योंकि लास्ट वाली नहीं उतारते। अपने चूड़े वाली सेरेमनी होती है नहीं होती है, आप मुझे जरूर बताना, आई वुड लव टू नो, क्योंकि हमारे में तो होती है, पंजाबी लड़कियां जितनी भी होती हैं वो बचपन से ही चूड़े के लिए ना बड़ी ज्यादा एक्साइटेड होती है, और शादी मैंने तो इसलिए की थी कि मुझे चूड़ा मिलेगा। सो गाइज आई एम डन विद माई मेकअप और मैंने ना बहुत ही सटल सा मेकअप किया, आप देखो आई मेकअप में भी ना थोड़ा सा शिमरी शेड अप्लाई किया एंड दैट्स इट। एंड ऑल्सो लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी डार्क अप्लाई किया है, बहुत सुंदर कलर है वाला, दिस इज द मैक लिपस्टिक इन द शेड टू मैट विद लव, बहुत प्यार लगता है मेरे को। एंड आई थिंक मैंने अपने ब्राइडल मेकअप में भी यही वाला यूज़ किया था जो मैंने अपनी शादी का मेकअप किया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड येस अभी आपको मैं अपनी इंटायर आउटफिट दिखाती हूँ। सो गाइज दिस इज हाउ माई आउटफिट लुक्स लाइक, ये है खड़ी सलवार कहते हैं इसको, आई थिंक बुटीक वाली तो इसको खड़ी सलवार ही बोल रही थी। ये आउटफिट अभी का नहीं है, मेरा वेडिंग ट्रूजो का आउटफिट है। सो मुझे कलर ना बहुत ज्यादा सुंदर लगता है एंड ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा है इसके ना, यहाँ पे ये बहुत ही प्यारे प्यारे से टैसल्स भी हैं एंड बैक के ऊपर भी टैसल्स हैं।
सो दिस इज हाउ माई इंटायर आउटफिट लुक्स लाइक फॉर चूड़ा बढ़ाई। ये है किस लिए, मैंने बनवा तो लिया तुमने ये। इसमें चूड़ा डालेंगे। यार हमें ना पता नहीं है सब कुछ करना कैसे है, तो अबे बैठ तो गए सारे यहाँ सामने सामने सारे बैठ गए, पता कुछ नहीं है किसी को करना कैसे है। बस सिर्फ होता क्या है कि उतारना है और पहनाना है बस। वॉचेस और ब्रेसलेट का टाइम आने वाला है गाइस। अरे लास्ट बार थोड़ा दिखा दे अपना। और पता क्या, चूड़े पहन पहन के ना लास्ट वाली जो है ना इसमें खाली हो गई थी ये, क्योंकि ये वाली नहीं चेंज करी ना, कभी चेंज नहीं कर पाया ना ये वाली। हाँ हाँ, ये रेड वाली नहीं की और ये वाली नहीं की, बाकी तो कर ली थी। गाइस अभी केक कटिंग हो रही है, क्योंकि आपको बताया था ना कि जिनको हम फॉलो करते हैं उनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो पापा की तरह से आशीर्वाद हो गया ऊपर से ही। पापा लेट हो रहे हैं, आपको निकलना है कहीं, और पापा वेट कर रहे हैं जल्दी से हो जाए। सिटाफिल सिटाफिल की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि चूड़ा मेरे को टाइट हो चुका है। छुपी हुई यहाँ पर, ये लो पापा कर, ये चाहिए बता, हर जगह सिटाफिल है। जो सबसे पहले उतारेगा उसको लड्डू, उसको मेरे तरह लड्डू। मम्मी फर्स्ट आती हुई, ये लड्डू इस तरह जाते हुए अभी अभी यहाँ पहुँचते हुए भैया मम्मी की तरफ से आ चुके हैं। मम्मी ये क्या कर रहे हो, भैया मेरा हाथ कितना अजीब लग रहा है। दिखा भाई अपना हाथ। ओ भाई आधी टैनिंग हुई पड़ी है, क्योंकि ये ना सेवा पे गई थी और वहाँ पर धूप थी, वहाँ टैनिंग हुई थी। टीम मेगा की तरफ से आ चुका है, ये टीम मम्मी पूरा कर चुकी है। पहले उतारे हैं तुमने? मम्मी को उतारने का एक्सपीरियंस नहीं, मम्मी को पहनाने का एक्सपीरियंस है। मामी लोग पहनाते हैं ना, तो मम्मी ने मामी ऐसा मामी पहनाया होगा। पहले किसको पहनाया था आपने? गिन्नी को, ममता गिन्नी को। दिखाओ भाई। अच्छा ये अब ये डल लेंगी भैया, क्या फिर ये तो गलत चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। ये उतारो, ये पहन लो, ये टेम्परेरी होती है ना, ये तो टेम्परेरी होती है ना। खाली दिखाना नहीं है, छुपा लो छुपाओ छुपाओ खाली छुपाओ छुपा लो छुपा लो छुपा लो। चलो भाई फाइनली कुछ चूड़ियों के अलावा भी आया, ये दूध पीना है इसके बाद। नहीं नहीं, ये देखो बिना ही करती है। मम्मी मेहनत करते हैं। दिखाओ लग रही है, मैच कर रही है कपड़े से, मतलब ये अभी चलेंगे डेढ़ डेढ़ साल। एक हाथ में ये, एक हाथ में ये, चूड़ा गॉन, न्यू चीजें आ गई, मुझे नई चीजें मिल गई। विच की याद आ रही है, इसको फ्रेम करा लेंगे। मेरे को भी खिलाना भाई, ये खाने पीने के मामले में तो मैं भी यार कोई खिलाई नहीं रहा, देखना कैसे लोग हैं। डेढ़ साल चूड़ा पहनने की पेमेंट। पापा आप भी आवाज से भी अच्छे काम करते हैं। यारो यारो ओके यारो। तो क्या हो गया बेटे? अब उसका केक खाते हैं और उसके नीचे घूमने आते हैं। केक खाते हैं फिर घूमने आते हैं। नहीं मैं तो पूरा लड्डू खिलाऊंगा किसी को। आप खाओगे लड्डू, आप जीते हो। आप मम्मी
मुझे चूड़े की ना बड़ी ज्यादा याद आ रही है, अब बढ़ा के ऐसा लग रहा है कि यार चूड़ा नहीं पहनने को मिलेगा। चल मेगा तू एंजॉय करियो अपना चूड़े वाला टाइम, तू पहनी दो तीन साल आराम से, ठीक है? बिल्कुल इतना पहनो। मुझे ऐसा लगता है कि चूड़ा ना इंडियन रिचुअल में एक बहुत ज्यादा सुंदर सी चीज बनाई है, बहुत अच्छा लगता है। और शादी के बाद लगता नहीं जाता लड़की ने चूड़ा ना पहना हो कि शादी हो चुकी है, न्यूली मैरिड वाली नहीं आती ना। चलो हो गया डन, डन हो गया। अरे इसकी पेमेंट तो रहेगी, हाँ तो आ रहा नहीं है इसकी पेमेंट लाओ। खाली है अंदर, खाली है अंदर, खाली है अंदर, खाली है। तेरा मैचिंग थी मम्मी ने, देख मेरी बात सुन, तेरा तेरा मैचिंग है। अरे देख क्यों रही है, खाली है अंदर, देख ले मैं खाली देख लिया, पैसे हैं अंदर देख ले। अब जाओ शॉपिंग पे दोनों, चल आ चलो राखी की शॉपिंग। ये सही है। So guys, that's it for this vlog. बढ़ गया मेरा चूड़ा। I really hope कि आपने इस vlog को enjoy किया होगा। If you like this video, then don't forget to give it a big thumbs up. Also, बड़ी ज़्यादा याद आने वाली है, पर कोई बात नहीं, इसको मैं अपने पास हमेशा संभाल के रखूँगी। And I will see you guys in my next video. संभाल के साथ में पानी भी संभालोगे? ये पानी आपको पिलाऊंगी।